चलथाणा खाते केरल वासियों द्वारा 30मा अय्यापापा पूजा मां किडिया रानी जे मानव मेहरामण उमटी पड़ी। परंपरागत वस्त्रों ने वाजिंद्रो साथ निकलेली शोभा यात्रा लोगों नू ध्यान आकर्षित करी। दूध में जेम साकड़ भरी जाय छे तेम गुजरात में भारत भर में विविध राज्य में रोजी रोटी माटे आपेला प्रांतियों पर गुजरात में भड़ी गया छे। वर्षो थी स्थायी थयेला गेरडा वासियों आ पूजा धामधूम थी उजवामां आवे छे। कोरोना काल बाद प्रथम वखत सूरत जिल्ला में स्थायी केरळवासीओ द्वारा संचालित अप्पैया पूजा समिति द्वारा रविवार ना रोज पलसाणा तालुकाना चलथाण गाते स्थित चंचलेश्वर महादेव मंदिर खाते 30मी अप्पैया पूजा नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आपताना राजूभाई टायरवाला, राजूभाई ये जो साउथ इंडियन का फेस्टिवल है कैसे मैनेजमेंट करते हो और कितने साल से करते आ रहे हो और क्या महत्व है इनका? ये हमारा यहाँ का जो पूजा हो रहा है अभी 30वां साल का पूजा हो रहा है हमारा, 30 साल से हम लगातार और कोविड का दौरान हम लोग 2 साल इसका जो मतलब शोभा यात्रा वगैरह हम निकाला नहीं, बाकी 30वां साल का पूजा है। चेतन महादेव हनुमान जी मंदिर से शोभा यात्रा निकल के ये महादेव आंगन में आकर के इसका पूजा विधि करते हैं हर साल हम लोग। क्या महत्व है इसका फेस्टिवल? अय्यप्पा का शबरीमला का जो मंदिर 2 महीना रहता ना, ये शबरीमला शबरीमला में अरे मकर संक्रांति के दिन पूरा होगा, मतलब 2 महीने का वहाँ पर मंदिर खुलता है शबरीमला अय्यप्पा का टेम्पल, तो उसके दौरान हम लोग ये सब जगह प्रदेश में रहते हैं आदमी लोग, तो उसी के साथ में हम लोग यहाँ भी मतलब उसका आयोजन करता है। कितने साल से करते आ रहे हो? 30 साल से करते आ रहे हैं। जब कहाँ से कहाँ तक का इसका जो है जो यात्रा निकाली जाती है? ये हनुमान जी मंदिर कड़ोदरा हल्का मुई कड़ोदरा हनुमान जी मंदिर से हम लोग वहाँ से हाईवे पार करके सब लोग दीवा सब लेके लेडीज का सब लोग बच्चा सब लोग दीवा अलंकार करके सब पूरा पंजाब आदियम तेयम वगैरह सब वो केरला से आते हैं, इसका जो ये सब करने वाला मतलब पूरा कार्यक्रम करने वाला वो लोग के साथ में चल के वहाँ से आकर महादेव मंदिर तक आ जाता है। कितने लोग इसमें? बहुत आदमी आ जाता है। આ પૂજાવા કેરળના પરંપરાગત વસ્ત્રો અને વાજિંત્રો દ્વારા નાચતે ગાજતે અય્યપ્પા ભગવાનની શોભા કાઢવામાં આવી હતી। શોભાયાત્રા રવિવારના રોજ મોડી સાંજે કડોદરા અકડામુખી હનુમાનજીના મંદિરથી લઈ ચલથાણ ચંચલેશ્વર મહાદેવ મંદિર સુધી કાઢવામાં આવી હતી। અંતે ચલથાણ ખાતે અય્યપ્પા ભગવાનના જીવન પર ભવ્ય પ્રદર્શન કરી કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી। શોભાયાત્રામાં કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસે ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। केरल वासियों भव्य शोभा यात्रा ने जोवा माटे मोटी संख्या में किडियारों की जेम मानव मेहरामण उमटी पड़ी होती। ठंडी वातावरण में मोड़ी रात सुधी लोग कार्यक्रम ने निहाळ्यो होतो।